हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 22 अक्टूबर के वन लाइनर करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप उसको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, मैं वहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट करंट अफेयर हमारी डिजिटल नेशन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है और इसका जो विमोचन किया है वो किया है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 का विजेता कौन बना है? तो फ्रेंड्स, इसका विजेता बना है ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का सुदर्शन चक्र वाहिनी का 2 दिवसीय युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये हुआ है राजस्थान में। नेक्स्ट है, कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया गया है हाल ही में लद्दाख में। नेक्स्ट है, उपेंद्र सिंह रावत को हाल ही में भारत के किस गणराज्य का अगला दूत बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है निराकागुआ गणराज्य का। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में श्रीलंका को कहाँ की ग्रे लिस्ट में से हटाया गया है? तो फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है FATF। FATF की फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 1989 में। फ्रेंड्स, FATF जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके मिनिस्टर्स इसमें काम करते हैं, और इसकी जो भी हैंडलिंग होती है, जो किसी भी तरह की प्रोसेसिंग होती है, तो वहाँ पर जो भी इनके मेंबर कंट्रीज होते हैं उनके मिनिस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है के पराशरन को। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।